ये देखिए, बिना झंझट के किसी कोई भी झंझट नहीं हुआ है और इतना यमी, इतना टेस्टी रवा मसाला ढोकला तो बन के रेडी है हमारा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि ये कैसे बना है। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बच्चे तो देखते ही इसको चट कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मसाला रवा ढोकला। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा ढोकला, ठीक है। तो ये हमारा एक कटोरी से थोड़ा सा कम है रवा है और ये हाफ कटोरी दही जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये देखिए स्ट्रेनर से हमने छान लिया है, छानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम इस बर्तन में डालते हैं, ठीक है, सूजी रवा जो भी इसे कहते हो। और ये देखिए हाफ कटोरी हमने दही ऐड किया है इसमें और इसको मिला लेंगे अच्छे से। देंगे पानी, देखिए कटोरी के हिसाब से अभी हम पानी बताए दे रहे हैं आपको। ये एक कटोरी पानी है तो देखते हैं इसमें कितना इस्तेमाल होता है। ये देखिए इस तरह से मैश करेंगे अच्छे से। अभी बहुत गाढ़ा है, हमको इतना गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए। ये सारा एक कटोरी पानी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लफी चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा ठीक नहीं चाहिए। और ये देखिए इस तरह से है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें मसाले थोड़े से ऐड करेंगे क्योंकि हम ढोकला मसाला ढोकला बना रहे हैं, ठीक है। तो इस मसाला ढोकला के लिए इसे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिएगा इस मसालों में भी ज्यादा ऐड कुछ नहीं करेंगे। ये हमने डाला है जलजीरा पाउडर या अमचूर पाउडर। अगर जलजीरा पाउडर नहीं है तो फिर अमचूर पाउडर डाल लीजिए, लेकिन जलजीरा पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। बस अब ज्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे। थोड़ी सी धनिया, ये देखिए थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। और मिर्च लाल स्वाद अनुसार, ठीक है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये पड़ गया। अब इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जो हमने जलजीरा पाउडर डाला है उसमें भी नमक होता है, इसलिए हम उसी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से, इस तरह की रेसिपी आपने बिल्कुल नहीं खाई होगी। रवा ढोकला खूब खाया होगा आपने, देखा होगा यूट्यूब पर, बट इस तरह का रवा ढोकला नहीं खाया होगा जिसमें फ्लेवर भी हो, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही, जिससे कि ये हमारा सेट हो जाए, ठीक है। तो 5 मिनट हम इसे ढककर रखेंगे। ये देखिए अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और पड़ेगा जो हम लास्ट में बताएंगे आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जब तक हमारा वो हो रहा है तब तक हम अपना केक टीन को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। ये हमने थोड़ा सा घी ले लिया है, आप अगर ऑयल डालना चाहें तो ऑयल डाल लें या जो भी चीज डाल जाए, अच्छे से ऐसे कर ग्रीस कर लें जिससे कि आपका ये जो है अच्छे से डीमोल्ड हो जाए, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा ऐसे लगा लेंगे अच्छे से। देखिएगा ये हो चुका है, ग्रीस हो चुका है। और अपना आप ये भी देख लेते हैं क्योंकि इसको भी 5 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया, बस हमको इसी तरह का चाहिए बैटर। तो यानी अगर हम, अब आप लोग खुद ही देख सोच लीजिए कि ये हमारी बारीक वाली सूजी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बारीक जितनी सूजी उतना ही पानी ले लेना है, उसका घोल बना लेना, ठीक है। अब इसमें जो हम, अगर आपके पास दही नहीं है, ठीक है, घर में, तो थोड़ा सा खट्टा करने के लिए आप डाल सकते हैं इसमें आराम से विनेगर, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, वो डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए सिर्फ 1 स्पून है चीनी, खाने वाले स्पून, 1 स्पून चीनी। तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि ये घुल जाए अच्छे से, ठीक है। आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकते हैं या चीनी स्किप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हम अच्छे से फेंटते हैं तो चीनी घुल जाएगी। अब ये देखिए एक हमने इनो का फ्रूट सॉल्ट ले लिया है। आप अगर आपके पास बिना फ्लेवर का फ्रूट सॉल्ट हो तो वो ले लीजिए, हमारे पास है ये लेमन वाला, तो हम वो ऐड कर देते हैं। तो पूरा एक से ऐसे हम डाल देंगे इसमें, ये देखिए, ये देखिए, और इसको हम मिक्स कर देंगे इसमें। और जब हमारे बबल्स बनने लगे, एक चीज और, इसको डालने के बाद आपको घर रखना नहीं है बिल्कुल भी, और तुरंत इसको हम डालेंगे। देखिए ये हमने फेंट दिया, अब इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है।
फटाफट इसमें डालेंगे। और देखिए हमने पहले से ही अपनी कढ़ाई रख दी थी बेक करने के लिए, सारा इसमें हमने डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हल्का सा ऐसे टैप करना है। चलिए चलते हैं कढ़ाई के पास। ये देखिए इसमें हमने लगभग एक ग्लास पानी रख दिया था, ठीक है। तो इसको इसमें अच्छे से हीट बन गई है। और अब इसमें इस तरह से देखिए हमारा स्टैंड थोड़ा सा ऊंचा है, तो पलट कर हम स्टैंड रखेंगे और इसमें हम ये रखेंगे अपना ये, ठीक है। और इसको हम फिर से बंद कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा, फिर जैसी आपकी गैस की फ्लेम होगी उसी हिसाब से ये कुक होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए शायद आप लोगों को दिख रहा हो, क्योंकि इस पर तो भाप बन गई है, कि कितना अच्छे से फूल रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। और एक बार अगर एयर यहाँ से ज्यादा निकलने लगे तो आप फ्लेम को बस थोड़ा सा कम कर दीजिए, आराम से पकने दीजिए। देखिए गाइस पूरा 15 मिनट हो चुका है, तो ओपन करके देखेंगे थोड़ा सा ऐसे करके, देखिए कितना अच्छा सा फूल के आया हुआ है, ठीक है। और अब इसको हम एक नाइफ ले लेंगे और उसको हम इंसर्ट करेंगे अंदर, देख लेंगे पकते हैं कि नहीं। ये देखिए हमारा लगभग पक गया है। आप नाइफ चाहें या फिर टूथपिक चाहें तो हम चलिए टूथपिक से भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पूरे तरह से अच्छे से परफेक्ट पक गया है। देखिए एकदम टूथपिक बिल्कुल साफ निकल कर आई है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम बंद करते हैं और इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो इसको हम अब धीरे से हटाएंगे और इसको हम बाहर रखेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से निकाल कर हम काउंटर पर अपना इसको, जिससे कि ये ठंडा अच्छे से हो जाए, ऊपर से नीचे से दोनों से एयर लगेगी ना तो ये जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। देखिए गाइस ये ठंडा हो चुका है हल्का हल्का। ये देखिए इसने साइड भी छोड़ दी है, तो इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो वैसे तो हमें नाइफ से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए बड़े आसानी से हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अब हम ऐसे इसमें प्लेट में पलट देंगे और ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए और इसको हम, ये देखिए हमारा कुछ भी नहीं करना पड़ा, आराम से निकल आया। ये देखिए और आप इसकी जाली देखिए गाइस, देख के तो हम भी बहुत सरप्राइज हैं कि इतनी प्यारी जाली और इतनी अच्छी जाली। आपको पास से दिखाते हैं, देखिए दूर से ही दिख रहा है कितना प्यारा सा है, लेकिन पास से भी दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस एक एक जाली आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जाली है। और ये देखिए कितनी सारी जाली है, सच में बहुत यम्मी बना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। आप दूसरी प्लेट लगाकर इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इधर से भी देख सकते हैं आप कितना अच्छे से बना हुआ है, ये देखिए। तो चलिए इसके हम करते हैं पहले इसको, ये देखिए आप इसका फ्लफनेस देख लीजिए। ये देखिए गाइस सब तरफ से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी जालियां बन के आई हैं। ये देखिए फिर से वही शेप ले रहा है। ये देखिए कितना प्यारा है। तो चलिए इसको करते हैं कट, ठीक है। तो हम अपना जैसे कट करते हैं स्क्वायर शेप पे, बस वैसे ही कट करेंगे। अभी फिलहाल गीला है थोड़ा सा, सॉफ्ट इतना है कि आप बता नहीं सकते हैं आपको, ठीक है। और इसको क्लीन, देखिए एक बार काट करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जिससे कि इसमें कटने में सफाई आए। ये देखिए कट हो गया, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं अलग करके, एक मिनट। ये देखिए सब तरफ से कितनी प्यारी जाली है, देख सकते हैं आप। ये देखिए तो इसको पूरा तरह से ठंडा होने देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ठंडा नहीं है हमारा, हॉट है। तो इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। देखिए गाइस ऑयल हो चुका है हमारा, अब इसमें हम डालेंगे सरसों दाने, ठीक है, इनको चटकने के लिए। और जीरा, ये देखिए एक चुटकी जीरा अच्छे से भून लेंगे। और ये हाफ तेज पत्ता जिसको हम तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमने हरी मिर्च नहीं ऐड करी है, आप चाहें तो भून के डाल सकते हैं। देखिए हमारे छोटे बच्चे हैं, इतना सारे बच्चे ही खा रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं 3 बच्चे हैं जिनको ये बहुत पसंद है हमारे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें हरा मिर्चा स्किप कर रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। आप डालना चाहें तो हरी मिर्च से आप आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना ढोकला। ये देखिए अब बस ऐसे अच्छे से
एक एक पीस करके ऐड कर देंगे और अच्छे से उलट पलट लेंगे। जैसे इस तरह से डाला, इस तरह से किया, इस तरह से किया, तो ये जो सारे सरसों के दाने हैं ना, तो सारे आ जाएंगे। और हम फ्लेम को बंद भी कर देंगे क्योंकि हमें इसको कोई फ्राई नहीं करना है, बस खाली ये हमारा जो ये लग जाए एक में ही बस, और इसको अलग सर्व करते जाएंगे। ये देखिए, इस पर थोड़ी सी काली मिर्च हम ऐसे हल्की हल्की छिड़क देंगे, ज्यादा नहीं, पाउडर है काली मिर्च का बस। ये देखिए, इसको अब हम कट करके दिखाते हैं, इतना मुलायम। पहली बात तो हम इसको एक बार और दिखा दें आप लोगों को, इसकी जाली ये देखिए कितनी प्यारी जाली दिख रही है। ये देखिए, और इसको खा के बताते हैं आपको कि कितना टेस्टी बना है। सच में बहुत टेस्टी है और मुंह में घुलने वाला। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।